वेलकम टू कुकिंग विद गुरकीरत। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी जलेबी, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए हमारे क्रिस्पी जलेबी बनाना हम शुरू करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम चाशनी बनाएंगे, इसके लिए मैंने लिया 1 कप चीनी। इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में, इसे एक बार हिला लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, जितनी हमने चीनी ली थी उसका डबल पानी डालेंगे। इसे एक बार हिला लेंगे हम। ये मैंने लिए हैं 2 लौंग, 1 इलायची। लौंग को हम डाल देंगे, इलायची को हम खोल कर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे, ऊपर से हम ढक देंगे। इसमें उबाल आने देंगे, हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए। अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है, हम चेक करेंगे अभी। ये देखिए, हमें ऐसे ही एक तार वाली चाशनी चाहिए। चाशनी हमारी बन के रेडी है। अभी हम जलेबी का बैटर रेडी करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। इसे हम एक बार हिला लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे पानी। पानी को हम 2 बार करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो गुटलियाँ बन जाएगी। हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये हम डाल रहे हैं ऑरेंज रेड। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, हमने कलर थोड़ा सा और डाला है। अगर आपको जैसा भी कलर अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हैं। ये ली है हमने इनो। इनो से बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बनती हैं, जलेबियाँ अच्छे से फूलती हैं। अगर आपको ज़्यादा जलेबियाँ बनानी हैं तो आप 2 पैकेट भी डाल सकते हो। अभी हम 1 ही पैकेट डालेंगे। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसे एक्टिवेट करने के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैंने एक सॉस वाली बोतल ली है, इससे बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बनती हैं। ये मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाती है। अभी ये बैटर हम डाल लेंगे इसमें अच्छे से। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, जलेबियों को हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी जलेबियाँ हमने बना ली हैं, बहुत ही अच्छी बनी हैं। अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपकी सेम टू सेम ऐसी ही जलेबियाँ बनेंगी, बहुत ही अच्छी बनती हैं। ये सुपर क्रिस्पी जलेबियाँ बनती हैं। ये देखिए, हमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, 1-2 बार पलट के इसे हम निकाल लेंगे। ये अच्छे से पक जाती है, हमें मीडियम फ्लेम पर बनानी है, बहुत ही अच्छी बनती है। हमने चाशनी बनाई थी उसमें हम सारी जलेबियों को डिप कर देंगे। इसे हम पलट देंगे, अच्छे से चाशनी जलेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी जलेबियाँ। ये देखिए, अभी हम जलेबियों की करते हैं प्लेटिंग। जलेबी के ऊपर हम थोड़े से बादाम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। ये देखिए हमारी जलेबियाँ बनके रेडी हैं, बहुत ही अच्छी बनी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।